यश को कि मैं यहाँ पर 3 साल पहले आया था। पर्सनल एजुकेशन मेरे बाद में आई और मैं 3 ईयर बिफोर हेयर और ये फीस के जो इशू थे, जो फीस कम करवाई, ये मैं पहले 3 साल पहले ये फी कम करवा चुका था और एक हफ्ते में ले प्लीज नो क्लैपिंग नो कमेंट्स, आप आराम से बात करें, ठीक है। और रहा सवाल बच्चों का पैकेजेस का, टीव के हवाले से पाकिस्तान में जो ऑफिसेज हैं वो डिटेल से बताया जाता है। बच्चे क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है बाहर इंटरनेशनल लेवल पे, गाँव से विलेजेस से बहुत सारी जगहों से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं होता, तो वो उसके बाद मोबाइल यूज करना सीखते हैं और उनके पेरेंट्स आते हैं जिनको पूरी डिटेल के साथ पैकेजेस दिए जाते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ की इन्वेस्टमेंट नहीं की इसीलिए मेरा पैकेज जो है वो कम होता है और मैं स्टूडेंट्स को जो जिस मंथ का खाना खाता है वही मंथ हम चार्ज करते हैं और $100 की है। और जो जिस मंथ में बच्चे छुट्टियां कर जाते हैं हम वो मंथ चार्ज नहीं करते। और फी के हवाले से जो $2,000 फी है, जो इंस्टीट्यूट की फी है $1,600 है और $2,000 जो फी है वो ऊपर से हमारा जो इंसेंटिव होता है उस मंथ में हम वो चार्ज $300 जो है वो चार्ज करते हैं। बाकी कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं हम डालते बच्चों के ऊपर। और जो बिल्डिंग्स गवर्नमेंट ने हमें यूनिवर्सिटी ने हमें दी हुई है, प्रोवाइड की हुई है, उसको हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने हमें भी कहा गया था कि मिलियंस डॉलर्स यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन हमारे क्योंकि बच्चे जो पाकिस्तान में हैं जिनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं दूसरी यूनिवर्सिटी में भी हैं जिन्हें मैं स्कॉलरशिप भी देता हूँ और वो अपनी स्टडी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जितना फैसिलिटेट मैं कर सकूँ वो मैंने किया और इसीलिए वो कम पैकेज जो हमारा है, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे पेरेंट्स के बच्चे बैठे हैं जो सैलरी पर्सन हैं, जो सिर्फ सैलरी और किसान है, छोटे छोटे किसान है जो इतनी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा बर्डन जो बच्चों के ऊपर है वो मेरा एम नहीं है, मेरा मकसद नहीं है कि मैं उस बच्चे के ऊपर बर्डन डालू। मैंने जो बच्चों ने यहाँ से डिग्री लेने के बाद वहां जाके एनएलई का एग्जाम देना है, मेरी ग्रुप का जो भी बच्चा है वो इंशाल्लाह जो फाइनल ईयर में जब आएगा तो हम यहाँ भी एनएलई की उसकी तैयारी शुरू करवाएंगे। और पाकिस्तान में भी फ्री सेशन के लिए मैंने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान में भी मैं फ्री ऑफ कास्ट बच्चे को एनएलई की तैयारी करवाऊंगा। तो आज जब आपने यहाँ आना था मुझे कहा गया कि आप अपने बच्चों को ना भेजें वहां पर, ये कंप्लेन ज्यादा करेंगे, तो मैंने कल अपने बच्चों को शाम को वहां पर इकट्ठा किया और उन्हें बोला कि आपने आना है, लेकिन और मैंने कहा कि आपको अगर मेरे खिलाफ किसी किस्म की कंप्लेन है तो आप खुल के एम्बेसिडर साहब से बात करें और मेरा लिहाज ना करें। अगर एम्बेसिडर साहब नहीं सुनते, आप कहते हैं कि एम्बेसिडर से मिली है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोर्ट में बनाया, अब वहां पर अपनी कंप्लेन करें, तो मेरे पैकेज और बहुत सारे बच्चों को बाद में मैसेज दिया गया कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया और मेरे मेजोरिटी में बच्चे यहाँ नहीं आए, काफी बच्चे जो है वो मैसेज पे वहां रह गए राष्ट्र में, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्सल विजिट करें और जो बच्चे रह गए हैं उनकी बात भी आप सुने। और मैंने मेरा जो भांजा है यहाँ जो हमारे पाकिस्तानी बच्चों को रिप्रेजेंट करता है खड़े होते, इस बच्चे के बारे में आप स्टूडेंट से बोलते, इसका करेक्टर पूछें, इसका स्टूडेंट के साथ बिहेवियर पूछें कि किस तरह वो दिन रात जाकर आपसे मैं
हम वेरी बार हॉस्टल के हॉस्टल में वन ईयर हमने कंपलसरी रखा है कि बच्चा वन ईयर जो है वो हॉस्टल के अंदर रहे, आफ्टर वन ईयर वो फ्लैट में रह सकता है। उसमें बच्चे को ये सहूलत होती है, मैं एग्री नहीं करता जुबिला भाई की बातों से, मैं प्राउड करता हूँ अपने पाकिस्तानी बच्चों पर। बच्चे जो डीप रैंक हो तो उन्हें इंडिविजुअली समझाया जा सकता है। ये मेडिकल के स्टूडेंट है, ये डॉक्टर्स है फ्यूचर के, ये इन्हें पता है अच्छे और बुरे का इन्हें पता है। अगर सब बच्चे, कुछ बच्चे जो डीप रैंक हुए तो उनको जो प्रॉब्लम है उन्हें गाइड किया जा सकता है, और समझदार है बच्चे समझ जाए, क्योंकि ये वजह ये है कि हम एक साल बच्चे को कहते हैं कि वो हॉस्टल में रहे, वो कंपलसरी है कि वो यहाँ की लैंग्वेज सीखना है, क्योंकि वो अननोन होता है, उसे नहीं पता कि ग्रोसरी की चीज़ कहाँ से लानी है, कोई चीज़ कहाँ से मिलती है, कोई कहाँ से मिलती है। तो वो बच्चा एक साल जब हॉस्टल के अंदर रहता है उसके बाद उसे उस शहर की वाकफियत भी हो जाती है और उसे चीज़ों का भी पता चलता है। वो 100 डॉलर के अंदर वो फ्लैट का रेंट भी दे देता है और वो अपना मेस भी अरेंज करता है। तो मैं इसीलिए अपने बच्चों को कहता हूं कि पानी आप कंपलसरी हॉस्टल के अंदर रहे, उसके बाद आप और बच्चे माशाल्लाह किर्गिस्तान के अंदर हमारे पास काफी सारे बच्चे जो बाहर फ्लैट्स के अंदर रहते हैं, यहाँ इतनी कैपेसिटी भी नहीं है हमारे पास, आगे जो स्टूडेंट आने वाले हैं, आगे जो हॉस्टल्स हैं उनमें भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी मेजोरिटी में बच्चे ऐसे बहुत बच्चे रह सके। तो ये वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये सुविधा है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर जो कंप्लेन है किसी किस्म के हवाले से, मैं खुद कल कह के आया था, बच्चों को टेस्ट करके आया था कि आप एम्बेसी भी आपके लिए खुली है, वहाँ भी जाए, और मैंने कभी नहीं कहा कि एम्बेसी मेरी जेब में है, एम्बेसी ना जाओ आप, हमने बच्चों को खुली कहा। तो मैं इसी के साथ थैंक यू सो मच।